आज काव्या के रोके के फंक्शन में हमने राजवीर को भी इनवाइट किया था, तो और काव्या ने उसे पर्सनली इनवाइट किया था कि वो आए यहाँ पर, पूरे का पूरा फैमिली फंक्शन अटेंड करे, और अभी वो जेल में। कर लिया भरोसा, ले गई लॉकर रूम तक, और इसने क्या किया, पहली फुर्सत में चोरी कर ली। देखिए मैं एक बार बोल रहा हूँ, बार बार नहीं बोलूंगा, मैंने चोरी नहीं की है। मुझे एक बात बता, राजवीर ने चोरी की है या नहीं की? पैसा जहाँ रखा था वहां पर पैसा नहीं है, पैसा अब तक गायब है, तो ये नहीं पता कि उसने चोरी की है या नहीं की है, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है बस। बेटा हम लोग अपसेट इस वजह से हैं कि काव्या बहुत अपसेट है। वो क्यों अपसेट? बेटा राजवीर को भाई मानती है वो, राजवीर ने उसे गुंडों से बचाया था, तब से वो दोनों बहुत क्लोज हो गए, और उसे बुरा लग रहा है इस बात का कि उसने अपने फंक्शन में राजवीर को बुलाया और उस फंक्शन में उस पर चोरी का इल्जाम लग गया। तो तू काव्या को समझा कि ऐसा नहीं होता, सब लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि राजवीर ने ही चोरी की है, हो सकता है कोई गलतफहमी हुई हो, एक बार तू समझा तो सही काव्या को, वो मान जाएगी। ऋषभ मैं काव्या से झूठ नहीं बोल सकता, और सच यही है कि अब सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। That's for sure. Nothing is for sure. तेरी बेटी है, तू उसको समझाएगा तो मान ही जाएगी ना? मैं उससे झूठ नहीं बोलूंगा। यार ये क्या बात हुई यार, मैं जाके समझा देता हूँ। अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या करें, ये सब सही है गलत है? डैड हमें क्या लगता है क्या नहीं लगता है, बात हमारी सोच की नहीं है, बात ये है कि वहां पर क्या था, क्या था और हमने क्या देखा। क्या था क्या देखा, ये क्या बोल के क्या, कहीं ऐसा तो नहीं ये राजवीर को छुड़वाना ही नहीं चाहता इस वजह से कि कहीं शौर्य बुरा ना मान जाए, या फिर ये दोनों लड़के भी अजीब हैं, एक दूसरे से इतनी दुश्मनी पता नहीं किस बात की, अरे एक दूसरे के सामने ऐसे खड़े जैसे दो भाई जायदाद के लिए लड़ रहे हैं, अजीब है यार। ब्रो कैसे लगा? यू नो व्हाट सैंडी, इतना सब कुछ होने के बाद जो सेटिस्फैक्शन, जो फीलिंग मैं ढूंढ रहा था ना, वो मुझे नहीं मिली डूड। उस क्रैकपॉट को जेल पहुंचाना मेरा गोल था, मेरा एम, उसे अब बिहाइंड द बार्स देख के मुझे कोई फीलिंग नहीं आई। डू वन थिंग ब्रो, इन पुलिस वालों को कुछ पैसे वैसे खिला के अंदर जाने का एक्सेस ले ले, और अंदर जाते ही ना पीट दे उस क्रैकपॉट को। मुझे उसे फिजिकली हर्ट नहीं करना है सैंडी, मुझे मजा नहीं आएगा, मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे वो सैड हो जाए, जिससे वो सफोकेटेड फील करे, हेल्पलेस फील करे, मुझे उसे मेंटली ब्रेक करना है अंदर से। आई वांट टू ब्रेक हिम इंटरनली। टूटेगा ब्रो, जरूर टूटेगा, ये कोई फाइव स्टार नहीं है, जेल है ये, और यहाँ एक दो दिन के लिए नहीं, बहुत लंबे टाइम के लिए आया है। और वैसे भी जेल जाना किसे पसंद है? किसी को नहीं, इवन जो लोग रोड पे रहते हैं ना उन्हें भी जेल जाना पसंद नहीं, और ये तो वैसे भी घर पर रहता है, और जब ये इतने दिन घर नहीं जाएगा लोगों को पता चल जाएगा कि लूथरा हाउस से पैसे इसी ने चुराए, और पता है उसके बाद क्या होगा? क्या? धीरे धीरे मोहल्ले में सबको पता चल जाएगा कि इसने पैसे चुराए, इससे कोई बात नहीं करेगा, और इसका नाम बदनाम। इंस्पेक्टर, चोरी के केस में राजवीर कितने टाइम तक जेल में रहेगा? चोरी का केस है तो 1 से 3 महीने, और अगर मुझे कोई पुराना केस रीओपन करना हो तो? कौन सा केस? इंस्पेक्टर, इस लड़के ने मेरी जान लेने की कोशिश की थी, इसने मुझे इलेक्ट्रिक शॉक देकर मुझ पर अटैक किया था, अगर मैं वो केस रीओपन करूं तो कितनी लंबी सजा हो सकती है? चोरी प्लस अटेम्प्टेड मर्डर, कम से कम 10 साल के लिए अंदर जाएगा। थैंक यू सैंडी, तू यहीं रुक, मैं अभी आया। मैं कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकता हूं, कैसे? निधि आंटी के बोलने पे चला गया, भले मुझे लॉकर का पासवर्ड पता था, मुझे पता था कैश कहाँ है,
लेकिन उनके कहने पर मुझे वहां अकेले नहीं जाना चाहिए था, किसी ना किसी को साथ में लेकर जाना चाहिए था। पता नहीं माँ किस हाल में होगी, आई जस्ट होप माँ ठीक हो। ओ गॉड प्लीज कुछ करिए प्लीज। नहीं अभी मेरा कोई मूड नहीं है। क्या अभी तूने तो याद किया गॉड को, तो ले मैं आ गया। फिलहाल के लिए तो तेरा गॉड मैं ही हूं और मेरा कोई मूड नहीं है तेरी लाइफ में कुछ भी ठीक करने का। वैसे तो मैं जा रहा था पर मैंने सोचा जाते जाते तुझे गुड न्यूज दे जाता हूं। तो गुड न्यूज ये है राजवी कि तू शायद इस जेल में या इससे भी बदतर जेल में मिनिमम 10 साल की सजा तो काटेगा। वो क्या है ना, मुझे एक पुराना केस रीओपन करने का मन हो रहा है। अब तू पूछेगा कौन सा केस? याद है तूने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी इलेक्ट्रिक शॉक देकर, वो केस। चौर्य मैं तुझे मारना नहीं चाहता था, मैं क्यों तुझे जान से मारूंगा? मैं बस तेरी पार्टी खराब करना चाहता था, तुझे सबक सिखाना चाहता था, दैट्स इट। तू ये बोलेगा और सब मान लेंगे। गुड वन राजवीर, आई लव व्हाट आई एम सीइंग, एंजॉय योर डे। चौर्य अच्छा हुआ तू आ गई, आ जा। अरे आती कैसे, नहीं इतनी बड़ी जीत जो हासिल की है तूने, I'm so happy for you. But यार सेलिब्रेट करने का टाइम ही नहीं मिला, तो अब सेलिब्रेट कर लेते हैं। Let's have champagne. Wow. Lovely. Cheers. Babes, I must say, क्या प्लान बनाया था तूने? I mean, फेल होने का तो चांस ही नहीं। I'm so proud of you. And finally, दीदी हिंदुजा जीत गई है। Congratulations. Thank you. अब शौर्य काफी टाइम से नहीं दिखा। शौर्य को एक कॉल कर लेती। Yes, mom. कैसा फील कर रहा है बेटा? क्या कर रहा है? कहाँ है? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? क्यों? क्योंकि मेरा आने का मन था। मुझे आना था मॉम। I mean, मुझे बस क्रैकपॉट से मिलना था। मैं यहाँ आया, उससे मिला। I can't tell you मुझे कितना सेटिस्फाइड फील हो रहा है। Really satisfied? Yes, mom. आज जो कुछ भी हुआ सब के बाद राजवीर को बिहाइंड द बार्स देखिए, आई एम लविंग इट। गुड। अच्छा अब ये बता घर कब तक आ रहा है? बस निकल रहा हूँ यहाँ से, सैंडी के साथ कुछ देर हैंग आउट करके घर आ जाऊँ। ओके कम सून बेटा। ऑलराइट मॉम, सी यू, लेट्स गो। बेटा बस कर राजा, सब ठीक हो जाएगा। राजवीर को कुछ काव्या? अरे बच्चे डैडू 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 आज पापा और काव्या कहाँ जाएंगे? ड्राइव पे। डैडू अब आ गए, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप कुछ करिए ना, आप जैसे बचपन में सब कुछ ठीक कर देते थे ना, अब फिर से सब कुछ ठीक कर देना। पापा ने कुछ भी नहीं किया, वो लोग उसको ले गए, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, अब आप सब कुछ ठीक कर दो ना। मैं आ गया हूँ ना, आ गया हूँ ना। तू कितनी प्यारी लग रही है, हाँ कितनी सुंदर लग रही है तू, और कितना रोई है तू। मम्मा कितना रोई है ये? बहुत सारा। हाँ इतनी प्यारी दुल्हन रोती है क्या? रोना मत बिल्कुल, तुझे पता ना मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ तेरे लिए, तुझे पता है। और तुझे ये भी पता है ना कि तेरे पापा तुझसे कितना प्यार करते हैं, तू उनकी जान है, पता है तुझे। तेरी मॉम के बाद अगर कोई तुझसे प्यार करता है ना, तुझ पे विश्वास करता है, वो तेरे डैड है।
अगर तेरी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हक किसी को है ना, तो तेरे डैड को है। अगर वो नहीं करेंगे ना, तो फिर मैं करूंगा। और मुझे मालूम है ऐसी नौबत आएगी नहीं, तू उसकी गुड़िया है। हाँ, ऐसा रोना मत बिल्कुल भी। तू हम दोनों की जान है ना, हमारा मान है बच्चे तू। पर डैडू, वो मेरी बात मानेंगे, उनसे जो मैं कहूंगी मानेंगे वो? उन्होंने कुछ भी नहीं किया वहां पे। काव्या, मेरी बात बात हर्ट है काव्या? हाँ मम्मा, आप क्यों इतना स्ट्रेस दो? हाँ तू ठीक है? आप ठीक हो कि नहीं हो मम्मा? मैं आपको बिल्कुल ऐसे नहीं देखना चाहता मम्मा। ऋषा पुत्र, मेरी एक बात मानेगा? बोलो ना। मुझे राजवीर के मासी से मिलना है। मुझे मिलना। पापा, मैं अंदर आ जाऊं? अरे बेटा, तुम पूछ क्यों रही हो? आओ ना, अंदर आओ। काव्या, I'm really very sorry. आज तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट दिन था और ये सब कुछ हो गया। I'm really sorry. पापा, देखिए, ये रॉन्ग है। राजवीर भाई को मैंने बुलवाया था यहाँ पर, वो मेरे रोके में मेरे कहने से आए थे, और उनके साथ इतना सब कुछ हो गया, मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा है पापा। देखो बेटा, तुम ना इस बारे में सोचना बंद करो, थोड़ा आराम कर लो जाकर, रात बहुत हो गई है। पाप, मैं आराम कैसे कर लूं? मैं तब से इसी सब के बारे में सोची जा रही हूँ। देखिए, मैं जानती हूँ राजवीर भाई को, वो गलत इंसान नहीं है, वो ये सब नहीं कर सकते। काव्या देखो, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो सच है वो सामने आ जाएगा। आप बताइए, पैसे इतने इंपॉर्टेंट है क्या? काव्या, बात पैसों की नहीं है, बात सही और गलत की है। और मैं जानती हूँ सही क्या है। वो ऐसा नहीं कर सकते, आपको उन्हें बचाना होगा बस। देखो काव्या, तुम बात ना समझ नहीं रही हो। पापा, इसमें समझने ना समझने की कोई बात ही नहीं है। मैं जानती हूँ ना उन्हें, मैं सबसे पहले मिली थी उनसे। वो ऐसा इंसान है ही नहीं, वो बहुत अच्छा लड़का है। और वैसे भी आप सबको बस इतना पता है ना कि उसने मेरा पर्स चोरी होने से बचाया था, पर पूरा सच ये है कि उसने मेरी गुंडों से इज्जत बचाई थी, उसने मेरी जान बचाई थी उनसे। इसलिए मैं जानती हूँ कि वो ऐसी कोई हरकत कर ही नहीं सकते, वो एकदम इनोसेंट है। और आप खुद बताइए, मैं कोई दूसराज का बैज लगाकर तो नहीं घूमती ना कि जानबूझकर वो मेरी मदद करेंगे? वो तब जानते भी नहीं थे कि मैं कौन हूँ, फिर भी एक अनजान लड़की की सड़क पर उन्होंने मदद की, क्योंकि वो नहीं देख सकते किसी को मुश्किल में। अब आप बताइए, ऐसा कोई लड़का चोरी करेगा? अब आप बताइए, उनकी अच्छाई के सामने 1 करोड़ रुपए बड़े हो गए? देखिए, मैं नहीं जानती पुलिस क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, लेकिन मैं आपकी वहाँ वेट कर रही थी कि अब आएंगे और वो सब होने से रोकेंगे। काव्या, मैं भी उस चोरी के बारे में ही सोच रहा हूँ। पापा देखिए, ये बिल्कुल रॉन्ग है, आप वो पुलिस वालों की तरह बात कर रहे हैं, आप तो ऐसे मत बोलो। प्लीज पापा, आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि आपको सच में लगता है कि राजवीर ऐसी कोई हरकत करेगा, चोरी करेगा वो? पापा बताइए ना, आपको क्या लगता है? अरे नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, प्लीज मत करो, मैं खुद कर लूंगा ये। पापा प्लीज कहिए, आपको सच में लगता है वो गलत है? प्लीज बोलिए पापा। बुआ जी। अरे बुआ जी, यही दवाई है ना? पता नहीं पुत्र, डॉक्टर तो तुम हो ना, तो तुम्हें पता होगा। बुआ जी, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ ताकि आपका मान रह जाए। मैं तो सिर्फ आपके लिए ही पूछ रही थी, आपको सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है। जल्दी, तेरा मान सर आंखों पे। ऐसे राजवीर दिखती रहे? राजवीर पुत्र तो पता नहीं, पर प्रीता जी भी घर पे नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई है।
मैंने कितने तो फोन कर दिया उनको, वो पक्का किसी काम में ना बिजी होनी है तभी फोन नहीं उठा रही है। ऐसे भी क्या बिजी होंगी कि फोन नहीं उठा रही है वो जी? पता नहीं पुत्र, तेरे को क्या लगता है क्या हुआ होगा? पता नहीं, अभी तक तो राजवीर को आ जाना चाहिए था, वो अब तक नहीं आया। हाँ पर वो वहाँ गया ही क्यों? अरे वो आज शौर्य की बहन का रोका था ना। अच्छा, तुम्हें सब पता होता है, राजवीर पुत्र तुम्हें सब बताता है, और तुम क्या क्या छुपा रही हो मुझसे? बुआ जी मैं क्या छुपाऊंगी, मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। तो फिर तुझे कैसे पता है कि शौर्य की बहन का आज वहाँ पे रोका है? ठीक बुआ जी, मैं जब प्रीता जी से मिली ना तो उन्होंने मुझे वीडियो दिखाया, उनके फोन पर ना शौर्य की बहन के रोके का लाइव स्ट्रीम चल रहा था। क्या हुआ बुआ जी, कहीं लूथरा हाउस में कोई बात तो नहीं हो गई जो प्रीता जी को पता चल गई हो और इसीलिए शायद वो अचानक से चली गई हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। हो सकता है बुआ जी, राजवीर और लूथराज में तो आपसी मनमुटाव है, वो वैसे ही लूथराज को पसंद नहीं करता, हो सकता है शायद आज भी कोई बात हो गई हो और प्रीता जी ने वो वीडियो पर देख लिया हो और इसीलिए वो अचानक से चली गई हो आपको बिना बताए, उन्हें टाइम ही कहाँ मिला होगा। हो सकता है। मैं कह रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं राजवीर तू घबराना मत, मैं तेरे पीछे से। ऑटो खड़ा, ऑटो ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, कोई ऑटो बुलाओ यार। अबे तू क्या शक्ल देख रहा है, तेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, जल्दी हॉस्पिटल लेके चल। नहीं पास जाऊंगा तो फंस जाऊंगा। अबे कहां भाग रहा है, अरे कोई रोको उसे यार। दिया बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, क्या करूं यार? हम इनकी हेल्प करनी होगी, हॉस्पिटल लेके चलते हैं। लेकिन हमारा हनीमून, हमारी फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी यार। अजय इनको हमारी ज्यादा जरूरत है। चलो जल्दी हॉस्पिटल लेकर चलो। लगता है ये इनका फोन है। सैंडी राजवीर को जेल में देखकर ना दिल खुश हो गया, आज जाके चैन की नींद आएगी मुझे यकीन है। ओ नींद यार, अभी तो कहाँ तू इतना खुश है, सेलिब्रेट करते ना, क्लबिंग करते, क्लबिंग। सैंडी तू भी अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा, पार्टी बॉय था और पार्टी बॉय रहेगा। चल मैं तुझे क्लब लेके चलता हूँ। गाड़ी मैं चलाऊंगा, तूने अभी कहा ना तू एकदम थक गया है, तू रेस्ट कर, मैं गाड़ी चलाऊंगा, यू एंजॉय। ऑलराइट, पार्टी के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। कम ऑन, आई एम टायर्ड एनीवे, बस जिंदा पहुंचा देना क्लब तक। यस सर। वाह, यू नो ब्रो, आज मैं इतना खुश हूँ, फाइनली एक हफ्ते के बाद हम क्लब जा रहे हैं, लेट्स गो। गॉड, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। ओह वेट, मॉम का कॉल आ रहा है। यस मॉम। अब शौर्य तू जहाँ भी है, जो भी कर रहा है, अभी क्या भी कर रहा है। What? Mom, आप ठीक तो? जहाँ भी है, जो भी कर रहा है, अभी के अभी घर आ। Mom, बात क्या है, कुछ तो बताइए। तू घर आ फिर बताऊंगी। ओके, आ रहा हूँ। क्या ब्रो? सैंडी यार, प्लान कैंसिल, घर जाना पड़ेगा। यार पता नहीं क्यों हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है। चलो और क्या, कोई बात नहीं, तू एक काम कर, गाड़ी अपने घर तक चला ले, वहां से मैं अपनी कार लेके घर चला जाऊंगा। ठीक है। कोई तो दरवाजा खोलो, मैं अंदर से आके दरवाजा खोल रहा हूँ, आप लोग दरवाजे के सामने बैठ के भी।
दी आप मोहित, तुम मोहित हो ना? हाँ? आप गुरप्रीत जी? नमस्ते जी। नमस्ते। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ। सॉरी, मैंने खुद को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। मैं प्रीता अरोड़ा की छोटी बहन, राजवीर की मॉम सृष्टि। ओह अच्छा अच्छा जी, आइए आइए आइए, अंदर आइए। ये बैग हाँ, ये मोहित मोहित रख देगा। आप आइए आइए बैठिए। दी घर पर ही है ना, उन्हें बुलाइए ना प्लीज, कहिए ना कि मैं आई। दी वो घर पर कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? हटो हटो हटो, जल्दी जाने दो, हटो। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सीडेंटल केस है, जल्दी से इनको एडमिट कीजिए और ट्रीटमेंट। लेकिन सर आप इनका नाम बताइए, मुझे फॉर्म भी फिल अप करना होगा ना। सॉरी मैम, मुझे इनका नाम नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता। एक्चुअली मेरी आंखों के सामने इनका एक्सीडेंट हुआ था और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, तो मैं इन्हें हॉस्पिटल ले आया। और ये किसी राजवीर का नाम ले रही थी। मतलब हम किसी राजवीर को नहीं जानते, लेकिन ये बेहोशी की हालत में सिर्फ राजवीर का ही नाम ले रही थी। बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, जल्दी से वार्ड बॉय आप इनको ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ, मैं डॉक्टर को इन्फॉर्म करती हूं। जी राजवीर, दरवाजा खोलो। दी तो फोन ही नहीं उठा रही है मेरा। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं कॉल करूं और दी फोन ना उठाए। इसका मतलब कुछ ना कुछ बड़ी गड़बड़ हुई है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे, मैं फिर से ट्राई करती हूँ, एक मिनट में। नहीं, फोन ही नहीं उठा रही है दी। राजवीर एक बार उसे कॉल करके देखिए। राजवीर को ट्राई करती हूँ। कमाल है, आज कोई मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा। राजवीर भी मेरा फोन नहीं उठा रहा है। हो सकता है राजवीर का फोन साइलेंट पर हो, उसका फोन अक्सर साइलेंट पर रहता है। आप कमशेदपुर से आई हैं और मैंने आपको पानी भी नहीं पूछा। मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती। कौन है ये इतनी प्यारी लड़की? आप हम सबको जानती है, लेकिन आप इसे नहीं जानती। पता होता तो मैं पूछती बेटा। ये तो पागल है जी, मैं बताती हूँ, वो मेरे भाई की बेटी है, भतीजी है जी मेरी। हाँ, और मेरे बेस्ट फ्रेंड राजवीर की बेस्ट फ्रेंड। राजवीर की बेस्ट फ्रेंड? पर राजवीर ने तो कभी नहीं बताया कि उसकी कोई बेस्ट फ्रेंड है। बताया क्या, दिखता है। दिखता है? दिखता है मतलब क्या होता है? तू ना मेरे साथ ऐसा जिग्सो पजल मत खेल, साफ साफ बता मैं उसकी माँ हूँ। अरे कोई नहीं जी, आप ऐसे बात कर रहे हो जैसे आपको उसको अपने घर की बहू बनाना है, हैं? अरे आपका बेटा बात ही ऐसा कर रहा है, अभी उसने बोला ना कि दिखता है मतलब कुछ तो गहरी बात होगी जिसकी वजह से ये कह रहा है। सृष्टि जी आपके लिए पानी, आप चाय पियेंगे? कितनी प्यारी है और संस्कारी भी।